अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम ग्रीडी एल्गोरिदम के बारे में थोड़ी बात करेंगे। और ग्रीडी एल्गोरिदम में जो वेरी फर्स्ट जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है ऑप्टिकल मर्ज पैटर्न। ठीक है, ऑप्टिकल मर्ज पैटर्न इज काइंड अ वेरी इजी एंड ग्रीडी अप्रोच। इट इज़ काइंड अ वेरी इजी ग्रीडी एल्गोरिदम एंड इसको समझने में कोई इतनी ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं लगेगी। लेकिन चलें अभी हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑप्टिकल मर्ज पैटर्न है क्या। तो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न्स जो हैं ये क्या होते हैं कि टू सॉर्टेड फाइल्स कंटेनिंग एन एंड एम रिकॉर्ड्स कुड बी मर्ज टुगेदर टू ऑब्टेन वन सॉर्टेड फाइल इन टाइम ओ एन प्लस एम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो सॉर्टेड फाइल्स हैं और उनमें रिकॉर्ड्स हैं कौन से, एन और एम है। तो हमने क्या करना है कि हमने उनको आपस में मर्ज कर लेना है। ठीक है, वो जो दो हैं ना उनको आपस में हमने मर्ज कर लेना है। तो मर्ज करके हमें एक सॉर्टेड फाइल्स मिल जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है, ओ एन प्लस एम है। मर्जिंग ऑफ मोर देन टू सॉर्टेड फाइल्स। अब इसमें हम एक ट्री टाइप चीज़ बनाते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास फाइल्स हैं, ठीक है, उनको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफरेंट वेज में हम मर्ज करके देखेंगे और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न होगा वो वाला होगा जिसमें नंबर ऑफ़ कंपेरिजन्स जो होंगे ना वो कम होंगे। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ़ कंपेरिजन्स कम होंगे, जिसमें कैलकुलेशन हमें कम पड़ेगी, तो हम कहेंगे कि वो हमारा ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न है। तो अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फाइल्स हैं एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है एंड एक्स फोर है और इनको हमने आपस में मर्ज करना है। तो क्या है कि हमने एक साइड पर एक्स वन और एक्स टू रख लिया। हमने क्या किया कि पहले एक्स वन और एक्स टू को मर्ज किया तो हमारे पास क्या आएगा, वाई वन आ गया। ठीक है, अब वाई वन को हमने जो पीछे हमारे पास एक फाइल जो बच रही थी एक्स थ्री उसके साथ मर्ज किया तो हमारे पास वाई टू आ गया। अब वाई टू के साथ जो एंड में एक फाइल बच रही है एक्स फोर है उसके साथ मर्ज किया तो वाई थ्री आ गया। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके पर भी कर सकते हैं कि आप क्या करें कि पहले एक्स वन और एक्स टू जो फाइल्स हैं उनको मर्ज कर लें तो हमारे पास वाई वन आ जाएगा और फिर हमने एक्स थ्री और एक्स फोर जो दो फाइल्स हैं उनको मर्ज किया तो वाई टू आ गया और फिर वाई वन और वाई टू को मर्ज किया तो हमारे पास वाई थ्री आ गया। ठीक है, यू कैन सी दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी इजी थिंग। अब आप खुद देख लें कि अब हम खुद भी ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि इन दोनों में से जो ऑप्टिमल है कौन सा पैटर्न है, जिसमें नंबर ऑफ कंपेरिजन्स कम है, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी हम ये कह सकते हैं कम है, जो मतलब एक ईजी वे में, एक स्मूथ वे में जो चीज़ चल रही है। ठीक है, तो ये हमें एक पैटर्न समझ आ गया कि हम एक ही जो चीज़ है ना, एक ही है, उसको हम एक से ज़्यादा वेज में हम उसके पैटर्न्स बना सकते हैं और फिर हमने ये देखना है कि किसमें नंबर ऑफ़ कंपेरिजन्स कम है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ऑप्टिमल टू वे मर्ज पैटर्न्स, इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर आगे हम इसका ट्री देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल क्या है कि सपोज देयर आर थ्री सॉर्टेड लिस्ट हैं, एल वन है, एल टू है और एल थ्री है। ठीक है, अब ये जो एल वन है इसका साइज़ 30 है, एल टू का साइज़ 20 है एंड एल थ्री का साइज़ 10 है। ठीक है, अब हमने इन लिस्ट्स को क्या करना है, आपस में मर्ज करके कंबाइन करके एक सॉर्टेड लिस्ट बनानी है। बट वी कैन मर्ज ओनली टू एट अ टाइम। अब हम क्या कर सकते हैं कि लिस्ट हमारे पास थ्री है ना, लेकिन हमने एक टाइम पर एट वन टाइम हमने क्या करना है कि हम सिर्फ दो जो है ना लिस्ट, जो दो लिस्ट्स हैं उन्हीं को हम मर्ज कर सकते हैं। वी इंटेंड टू फाइंड एन ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न विच मिनिमाइजेस द टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन्स। अब हमारा
एम क्या है, कि हमने करना क्या है, कि हमने एक ऐसा ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न देखना है कि जिसमें, जैसा कि मैंने पहले बात की थी, कि टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन्स होंगे वो हमने कम से कम रखने हैं. फॉर एग्जांपल, वी कैन मर्ज L1 एंड L2 विच यूजेस 30+20 इक्वल टू 50. ठीक है, अब ऊपर हमने देखा ना कि L1 का साइज़ क्या है, 30 है, L2 का साइज़ क्या है, 20 है. तो पहले हम देख चुके हैं कि हम एक वक्त में दो जो लिस्ट्स हैं ना, सिर्फ उन्हीं को ही मर्ज कर सकते हैं. तो पहले हमने क्या किया, L1 और L2 को मर्ज किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 50 आ गया. मींस वी आर हैविंग 50 कंपैरिजंस रिजल्टिंग इन अ लिस्ट ऑफ साइज 50. ठीक है, अब हमारे पास जो एक कंबाइंड लिस्ट बनी है L1 और L2 को कंबाइन करके, उसका साइज़ क्या बन गया है, 50 है, और उसमें नंबर ऑफ कंपैरिजंस भी कितने आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं. वी कैन देन मर्ज दिस लिस्ट विद लिस्ट L3. ठीक है, L1 और L2 को हमने मर्ज कर लिया. ठीक है, वो जो मर्ज लिस्ट होगी ना, L1 और L2 जो वन मर्ज लिस्ट बन जाएगी, उसको हमने किसके साथ किया, L3 के साथ कर लिया. तो ये हमारे पास एक सेकंड पेयर बन गया. तो अब हमने क्या करना है कि L3 की आप साइज़ देखिए, वो क्या था, 10 था, और L1 और प्लस L2 का साइज़ क्या था, वो जो एक हमने एक लिस्ट मर्ज या कंबाइंड लिस्ट बना ली थी वो क्या थी, 50 थी. तो 50+10 क्या हो गया, 60s. नाउ वी आर हैविंग 60 कंपेरिजन्स. सो द टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन्स इज 50+60 इज इक्वल टू 110. ठीक है, अब हमने L1, L2 और L3 एंड सबको जब आपस में मर्ज कर लिया, तो हमारे पास जो फाइनल एक सम आ गया, जो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन्स आ गए, वो क्या हो गए, 110. इसका मतलब क्या है कि L1, L2 और L3 को जब हमने मर्ज कर लिया, एक फाइल की सूरत में हम उसको ले आए, तो हमारे पास क्या आ गया, उसका टोटल साइज़ क्या हो गया, 110 आ गया. मीन्स इट आल्सो मीन्स दैट वी आर हैविंग 110 कंपेरिजन्स. ठीक है, अब हम एक और केस देखते हैं. अल्टरनेटिवली अब हम दूसरे केस में क्या कर सकते हैं कि वी कैन मर्ज लिस्ट्स L2 एंड L3. पहले हमने L1 और L2 की थी ना, तो अब हम क्या करते हैं, L2 और L3 को मर्ज करके देखते हैं. तो देखो, L2 का साइज़ क्या था, 20 था, और L3 का साइज़ क्या था, 10 था. तो 20+10 क्या हो गया, 30 कंपेरिजन्स अब हमारे पास आ गए. द रिजल्टिंग साइज इज 30 दैट कैन बी मर्ज्ड विद लिस्ट L1. ठीक है, अब आप खुद ये चीज़ ऑब्जर्व करके देख लें कि पहले केस में हमारे पास, हमने दो फाइल्स को मर्ज किया, तो हमारे पास दो फाइल्स को मर्ज करने का L1 और L2 का साइज़ 50 आ रहा था, लेकिन जब हमने L2 और L3 को मर्ज किया, तो हमारे पास साइज़ क्या आ गया, 30 आ गया. अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ़ कंपेरिजन्स क्या हो रहे हैं, मिनिमाइज़ हो रहे हैं. ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये जो L2 और L3 को जो हमने मर्ज किया और इसका साइज़ हमारे पास 30 आ गया, इसको हमने L1 के साथ अब क्या करना है, मर्ज कर देना. ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि अब देखो L1 का साइज़ क्या था, 30 था. तो 30+30 क्या हो गया, हमारे पास 60 कंपेरिजन्स हो गए. ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन्स इज 30+60 इज इक्वल टू 90. ठीक है, इट डज नॉट टेक लॉन्ग टू सी दैट द लेटर मर्ज पैटर्न इज द ऑप्टिमल वन. अब ये देखो कि हमने दो तरीकों से इनको मर्ज करके देखा, तो एक केस में हमारे पास नंबर ऑफ कंपेरिजन 110 बन रहे थे, और दूसरे में हमारे पास जो लिस्ट का साइज था वो 90 बन रहा था. मतलब ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं. तो देखो 90 जो हैं, इसमें वी आर हैविंग लेस नंबर ऑफ कंपेरिजन, सो वी कैन से दैट कि वी हैव मिनिमाइज्ड द नंबर ऑफ कंपेरिजन और रिड्यूस्ड द साइज. ठीक है, तो हमारे पास हमारा जो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न बना वो क्या था, ये 90 वाला था. यानी ये जो दूसरे वाला केस था कि हमने L2 और L3 को मर्ज किया और फिर उसको हमने L1 से मर्ज कर दिया. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. ये तो जस्ट एक एक्सप्लेनेशन थी. अच्छा,
गिवन ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न्स में क्या है कि गिवन एन सॉर्टेड फाइल्स, हमारे पास सॉर्टेड फाइल्स एन है, ठीक है, देर आर मेनी वेज इन विच टू पेयर वाइज मर्ज टेम इन टू अ सिंगल सॉर्टेड फाइल्स. तो हमारे पास जो है ना एन नंबर ऑफ सॉर्टेड फाइल्स हैं. अब इन फाइल्स को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ वेज में हम इनको आपस में मर्ज कर सकते हैं, और मर्ज करके हमारे पास वो क्या होगा कि सिंगल सॉर्टेड फाइल बन जाएगी. और हर किसी का जो साइज होगा वो डिफरेंट होगा. फिर हमने देखना है कि इसमें से किस में कम नंबर ऑफ कंपेरिजन्स हैं, ठीक है, फिर हम वो हमारा ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न होगा. डिटरमिन एन ऑप्टिमल वे, फॉर एग्जांपल दैट इज वन रिक्वायरिंग द फीक्वेस्ट कंपेरिजन्स. अब हमारा ऑप्टिमल वे वो होगा, हमारा जो ऑप्टिमल वे है, जो हमारा गोल है या हमारा एम है कि हमें फ्यूएस्ट, कम से कम नंबर ऑफ कंपेरिजन्स चाहिए टू पेयर वाइज मर्ज एंड सॉर्टेड फाइल्स टुगेदर. ठीक है, हमने एक ऐसा ऑप्टिमल वे मर्ज करना है जिसमें हमने ऑप्टिमल वे ढूंढना है जिसमें हम क्या करें कि हमारे पास पेयर वाइज मर्ज पैटर्न हो और जो फाइल्स हैं वो आपस में सॉर्ट हो जाएं, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ कंपेरिजन्स हों वो कम से कम हो. एग्जांपल क्या है, x1 x2 x3, ठीक है. अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, x1 है तो इसका साइज 30 है, x2 है तो इसका साइज 20 है, x3 है तो इसका साइज 10 है. तो x1, अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो ये है कि हम x1 और x2 को पहले आपस में मर्ज कर दें और फिर दो जो इन दोनों को मर्ज करके जो हमारे पास एक फाइल सॉर्टेड फाइल बनेगी उसको हम x3 के साथ मर्ज कर दें. ठीक है, x1 और x2 को हमने मर्ज किया तो हमारे पास क्या आ गया, 50 आ गया. कैसे, कि x1 का साइज़ क्या था 30, x2 का साइज़ क्या था 20, तो 30 प्लस 20 क्या हो गया, 50 हो गया. ठीक है, अब क्या है कि इसके साथ जो हमने क्या किया कि जो x3 है ना उसको हम उसके साथ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. तो 50 तुम्हारे पास आ गया, देखो x1 प्लस x2 क्या होगा, हमारे पास 50 था. ठीक है, अब 50 जो है इसमें हमने ये जो x3 था ना उसका साइज़ क्या था, 10 था, तो वो जब हमने उसमें मर्ज किया तो हमारे पास क्या आ गया, 60 आ गया. अब हमने इनको कंबाइन फिर कर लेना है, तो 50 x1 और x2 का साइज़ जो था, मतलब 50 और फिर हमने उसके साथ 60 जो उसको मर्ज कर लिया तो हमारे पास नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने आ गए, 110. इन द सेम वे x1 प्लस x2 प्लस x3. अब हमारे पास दूसरा केस क्या है कि हम क्या कर लेते हैं कि x2 और x3 को मर्ज कर लेते हैं. ठीक है, x2 की वैल्यू या साइज़ क्या है, 20 है, x3 की वैल्यू क्या है, साइज़ क्या है, 10 है. ठीक है, 20 और 10 क्या हो गया, 30 हो गया. अच्छा, अब हमने 30 जो है इसके साथ जो x1 को मर्ज किया तो क्या हमारे पास आ गया, 60 आ गया. ठीक है, अब हमने क्या किया कि इनको आपस में फिर मर्ज कर लेना है एक और, तो क्या हो गया, 60 प्लस जब हमने 30 किया तो 90 हो गया. नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट कि एक तरफ हमारे पास जो है सेम फाइल्स को जब हमने मर्ज किया है तो हमारे पास 110 कंपेरिजन्स या साइज़ आ गए, दूसरे में हमारे पास नंबर ऑफ कंपेरिजन्स 90 आ गए, या वो जो मर्ज्ड फाइल है, जो वन सिंगल मर्ज फाइल है उसका जो साइज़ क्या आ गया, 90 आ गया. अब हम आगे जो है ना इसका ट्री देखते हैं, असल चीज़ ये है. ठीक है, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अच्छा, जब हम ट्री बनाएंगे ना तो आपने अपनी सहूलत के लिए ये चीज़ करनी है कि आपने जो नंबर्स होंगे ना, जो नोड्स होंगे, उनको सेम लेवल पर रखना है. ठीक है, और एक टाइम पर हमने दो नोड्स को आपस में मर्ज करना है या रिकॉर्ड्स को मर्ज करना है. ठीक है, मर्जिंग एन एन रिकॉर्ड फाइल एंड एन एम रिकॉर्ड फाइल रिक्वायर्स पॉसिबली एन प्लस एम रिकॉर्ड मूव्स. द ऑब्वियस चॉइस फॉर अ सिलेक्शन क्राइटेरिया इज एट ईच स्टेप मर्ज द टू स्मॉलेस्ट साइज फाइल्स टुगेदर. हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि स्मॉलेस्ट फाइल्स, हम क्या करेंगे कि हमारे पास साइज है ना उसमें देखेंगे कि सबसे कम साइज किसका है. ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वो नोट्स जिनका साइज सबसे कम है या वो फाइल्स जिनका साइज सबसे कम है और जो एक लेवल पर जा रही हैं, हम स्मॉलेस्ट से शुरू होंगे और फिर लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे.
तो देखो ये बहुत इजी है। तो अब आप देखेंगे हमारे पास एग्जांपल क्या है कि F1 है, F2, F3, F4, F5, ठीक है, ये हमारे पास पांच फाइल्स हैं और इनके रिस्पेक्टिवली जो इनका साइज़ क्या है, F1 का साइज 20 है, F2 का 30, F3 का 10, F4 का 5 एंड F5 का 30। अब आप इसमें देखें कि स्मॉलेस्ट नंबर्स क्या हैं, तो देखें स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर 5 है, ठीक है, और फिर स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या है, 10 है। तो हमने क्या किया, बॉटम में सबसे एंड में जब हम ट्री बनाएंगे हमने 5 रखा, 10 रखा, 5 और 10 को क्या किया, मर्ज किया, मर्ज किया, इनको आपस में ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे ये आपको ना 15 नज़र आ रहा है। अब हमने ये देखना है कि 15 पर तो आ गई, लेकिन 15 के लेवल पर यानी 15 से करीबी, 15 से एक नंबर बड़ा कौन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चलो 10 और 5 को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ये क्या बन गए, 15 बन गए। अब 15 से बड़ा नंबर कौन सा इस लिस्ट में बनता है, 20 है। अब हमने क्या किया, 15 और 20 इनको एक लेवल पे रखा, इन दोनों को आपस में क्या किया, मर्ज किया, तो 15 और 20 को मर्ज करने से हमारे पास क्या आ गया, 35 आ गया, ठीक है। वैसे आप अपनी सहूलत के लिए ये भी कह सकते हैं कि 10 और 5 के ऊपर लाइन लगा दें, क्रॉस कर लें कि जी इनको हम मर्ज आपस में कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आप 20 जो है उसको भी कर दें, हो जाएगा, सही है, इसको भी क्रॉस कर दें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लिस्ट क्या रह जाएगा कि हमारे पास एक 30 रह गया और इधर भी 30 रह गया। अब ये देखो 30 और 30 आपस में इक्वल हैं, यानी इनका लेवल सेम है, तो इस साइड पर हमने 30 रखा, इस साइड पर हमने 30 रखा, इन दोनों को हमने क्या किया, मर्ज कर लिया, तो 60 आ गया। अब आप ये देखें कि हमारे पास जो नंबर हैं वो क्या है, जो सबसे बड़े नंबर हमारे पास आ गए, एक साइड पर 35 आ गया, एक साइड पर 50 आ गया, अब दो नंबर हमारे पास रह गया। अब 35 और 60 को जब हमने मर्ज किया तो हमारे पास क्या आ गया, 95। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने अभी ट्री बनाया F1, F2, F3, F4, F5, 5 फाइल्स हैं, इन फाइल्स को जब हमने आपस में सॉर्टेड फाइल्स को मर्ज किया और एक फाइल हमने एक सॉर्टेड फाइल बना ली, ठीक है, तो उसका टोटल साइज़ क्या बन गया, 95 बन गया, मीन्स कि हमें 95 नंबर ऑफ कंपेरिजन्स करने हैं। अच्छा, इसके बाद आगे एक और चीज़ है कि इसकी थोड़ी हम समेशन की भी बात कर लेंगे कि ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न है इसमें, इफ़ डी आई इज़ दी डिस्टेंस फ्रॉम दी रूट टू दी एक्सटर्नल नोड फॉर फाइल F1। अब क्या है कि D1 से मुराद है डिस्टेंस है, रूट यानी जो सबसे बॉटम में जो नोड है वहाँ से उसके जो ऊपर जो एक्सटर्नल नोड है उस तक जो उसका डिस्टेंस है फॉर फाइल F1, ठीक है, और डी किसको सिग्निफाई कर रहा है या डिनोट कर रहा है, वो डिस्टेंस को कर रहा है, और क्यू किसको कर रहा है, लेंथ को कर रहा है। देन द टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड मूव्स फॉर दिस बाइनरी मर्ज पैटर्न। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड मूव्स हैं, कितनी मूव्स हम लेकर गए हैं, ठीक है, ये क्या है, इसको हम इस तरह से समेशन से शो कर सकते हैं, एन और समेशन और D1 एंड Q1 i = 1, दिस सम इज कॉल्ड। अब ये जो ये समेशन है, ये जो सम है, इस सम को क्या कहते हैं, वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ ऑफ द ट्री, और ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न ट्री विद मिनिमम वेटेड एक्सटर्नल पाथ लेंथ, एंड दिस इज ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। ओके, होप सो कि आपको ये ट्यूटोरियल जो है इसमें आपको ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न्स की समझ आ गई होगी। ये ग्रीडी अप्रोच में, ये एक ग्रीडी एल्गोरिदम है। इसके बाद हम मज़ीद जो है जिस तरह बाइनरी मर्ज ट्री है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वो डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़। एंड इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू थिंक इट दिस ट्यूटोरियल हैज़ हेल्प्ड यू, then please don't forget to subscribe and share it with others. Okay, Allah Hafiz, best of luck.